इंस्टीट्यूट के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कैसे आप उसको मैनेज करते हैं और क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया आपने रखे हैं जिससे कि स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी सर, हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस स्टडी में बड़ा ध्यान रखते हैं क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया लेवल के कंपटीशन टाइप की बातें होती हैं और सी ए इंस्टीट्यूट या सी एस सी इंस्टीट्यूट या सी डब्ल्यू इंस्टीट्यूट जिसकी हम लोग पढ़ाई कराते हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है। बच्चे जो बड़े शहरों के हैं जिनकी स्कूलिंग अच्छी हुई है वो तो बड़े आराम से क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो हरियाणा के रिमोट गाँव से आए हैं, बिहार यूपी बंगाल के रिमोट गाँव से आए हैं, जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम के साथ साथ एक आउटलुक की भी प्रॉब्लम है, बस सोच पाने की भी दिक्कत है जी, तो सबसे पहले तो हम लोग को यही मोटिवेट करते हैं कि देखिए बेटा जी, पास्ट गया, जो प्रेजेंट है यही हमारे हाथ में है। और अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी मैं पर्सनली सर मानता हूँ कि इफिशियंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, चीज़ एक ही होती है, इंटेंसिटी, कि हम किस काम को अब कितनी शिद्दत से आगे करना चाहते हैं। आज से अपनी अगर पूरी एनर्जी हम झोंक दें तो हो सकता है 3 महीने में हम रिजल्ट ना मिले, 6 महीने में ना मिले, लेकिन 9 महीने 12 महीने 15 महीने में रिजल्ट मिलना ही मिलना है जी। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे ऐसे बच्चों ने पास किया जिनके घर में कोई मैट्रिक पास नहीं था और उन्होंने सीए के रूप में क्वालिफाई किया, बाद में सिविल सर्विसेज में उन्होंने क्वालिफाई किया। और जब वो बच्चे पास होते हैं तो खुशी के आंसू लेकर आते हैं कि सर कमाल हो गया, मतलब हमने वो सोचा भी नहीं था, लेकिन आप लोग जो मोटिवेट कराते हैं इससे फ़र्क पड़ता है। तो मोटिवेशन तो हम लोग खैर देते ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर रेगुलर स्टडी 7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे की हर सब्जेक्ट की टेक्निकल स्टडी जो होती है उसके बारे में हम लोग पूरा ध्यान दिलाते हैं, सिलेबस कोर्स के हर एक पहलू को ध्यान देते हैं। प्लस इसके अलावा हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि बच्चे कल ऑडिट करने या टैक्स का काम करने जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे जो उनको ज़रूरत है प्रैक्टिकल की, जो वो ज़रूरत होती है उसको हम लोग थ्योरेटिकल स्टडी के साथ एग्जांपल के साथ मर्ज करके हम लोग पढ़ाते हैं। और शायद हम लोग इसलिए पढ़ा पाते हैं कि हम लोग खुद भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो हम लोगों ने अपने कैरियर में जो वो सीखा था कॉरपोरेट्स में या कंपनियों में उसका हम लोग यहाँ पूरा फ़ायदा उठा के अपने बच्चों में उन सारी बातों को भी कल्टिवेट करते हैं जी। और लगातार स्टडी के लिए उनको मोटिवेट करते हैं क्योंकि बगैर लगातार स्टडी किए आप किसी इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल के कंपटीशन में क्वालिफाई करने की बात नहीं कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि छोटे शहर के बच्चों का भी सक्सेस रेट खूब होता है जब वो एक बार बैठ के पढ़ने लगते हैं। ठीक बात है सर।